अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सात ऐसे टोकन्स जो कि मुख्तलिफ मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछे हैं, जिन लोगों ने मैसेज करके पूछा है, ईमेल करके, उनको भी उसका जवाब मिलेंगे, और जिन्होंने कमेंट्स के नीचे पूछा हुआ है कि इस कॉइन का क्या करें, होल्ड करें और कब पंप करेगा। इस वीडियो में सात ऐसे कॉइन्स जिसमें ARKM है, हुक प्रोटोकॉल है, उसके बाद GFT कॉइन है, साइबर कॉइन है, PYR कॉइन है, BLZ है, NMR, इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और साथ में बिट कॉइन को भी थोड़ा सा हम उसका भी एनालिसिस करेंगे कि वो किस हद तक नेक्स्ट मूव कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे अफराद जो इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी कीमती वीडियो अब मिस ना हो, तो जब आप बेल आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरी नोटिफिकेशन आपकी तरफ आए, आप उसको ओपन करके देखें और आप इंजॉय करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ARKM के बारे में। ये पंप हुआ और फिर थोड़ा सा डंप हो गया, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये ऊपर जाएगा और ये एक बेहतरीन टोकन है। जैसे साइबर टोकन कुछ दिन बेहतरीन रहा बिनास लॉन्च पैड के ज़रिए ये वजूद में आया, ऐसे ही ये टोकन जो है ना वो बिनास लॉन्च पैड के ज़रिए वजूद में आया। सप्लाई 57 मिलियन है इसकी, और इसकी जो है ना अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका 82 सेंट ऑल टाइम हाई है, और लास्ट 30 डेज़ की अगर बात करें तो 58 सेंट इसने हाई लगाया है। तो इसलिए ये अभी भी जो है ना, जिन लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ है तो वो उसको होल्ड करके रखें। स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ वेट का नाम है, जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। तो मेरा यही मशवरा है, इसमें एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 18 दिन 19 दिन पहले इसने 33 सेंट लो लगाया और अब 38 सेंट पर मौजूद है, तो यहाँ से ये डॉलर 1.5 डॉलर तक भी जा सकता है। ये अपने ऑल टाइम हाई को तो ये तोड़ेगा बुल रन, जैसे ही आया BTC 29,000 डॉलर तक जाना है यहाँ से। तो आगे देखें ये कहाँ तक जाता है, 60 सेंट जाता है, 70 सेंट जाता है, इसलिए इसको सिर्फ सिर्फ होल्ड करने की ज़रूरत है। उसके बाद है जी हुक प्रोटोकॉल। ये मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि ये अप जाएगा, और साथ GFT का भी बताया था, तो ये अप जाना शुरू हो गया है। मैंने आपको कहा था कि 70 या 72 या 75 की रेंज, 60 सेंट की रेंज में मिले तो वहाँ से इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो वहाँ जहाँ से आपने यूटिलाइज़ किया वहाँ 75 सेंट से, तो आपको मुबारक को प्रॉफिट। तो ये भी एक जो ना बेहतरीन टोकन है, बिनास लॉन्च पैड के ज़रिए ये वजूद में आया, अलर्ट हुआ हुआ है इसका। तो ये 39 मिलियन मार्केट कैपिटल है इसका, सप्लाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑल टाइम हाई इसने $4 लगाया है। तो अभी भी ये 19 दिन पहले इसने भी 64 सेंट का लो लगाया, उसके बाद ये ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। $1+ की मेरी प्रिडक्शन है सितंबर के महीने में इसकी, हुक प्रोटोकॉल की, या एंड में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको $1 से ऊपर नज़र आ जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था GFT ऐसा बिनास लॉन्च पैड का कॉइन है, जो कि पहला कॉइन है जो बिलांस लॉन्च पैड के ज़रिए वजूद में आया था। ये कॉइन भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इसको अभी भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इसकी मूवमेंट का आपको अंदाज़ा नहीं है। ओनली ओनली 10 मिलियन इसका मार्केट कैपिटल, जो कि बहुत ही लो है। जैसे मार्केट में ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और पैसा आएगा, इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इसकी प्राइस आप लोग देख सकेंगे कि ये डॉलर्स में भी नज़र आ सकती है। जी हाँ, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना, आउट इसका हुआ हुआ है। ये देखिए, ये तो देखा जाए तो एक अच्छा कॉइन है, 1.5 सेंट पर, 1.5 सेंट पर ये मौजूद है। उसके बाद आप सबका फेवरेट जो है वो साइबर कनेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये मैंने आज आपको वीडियो में स्पेशल बताया कि ये डाउन जाएगा, डेफिनेटली ये डाउन जाएगा, लेकिन ऊपर से जाकर अगर इसको सेल किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, बजाय नीचे अगर बहुत ज़्यादा अगर 5-10% और नीचे गिराता है तो फिर ये वहाँ से भी कुछ बाय करके थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाए, स्कैल्पिंग करें और इसको निकालें। ओवरऑल इसका ट्रेंड मैं बता दूँ, ये डाउन है। मैंने आपको $18.75 से भी ऊपर था जब मैंने आपको बताता रहा कि ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो इसलिए ये नीचे आएगा, तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है। दूसरा, इसके बाद जो है PYR के बारे में बात करेंगे, ये राउंड 2 इसका शुरू होने वाला है
$3.90 पर मैंने इसको बाय करवाया था, और आप लोगों को भी कहा था कि जितना नीचे मिले बाय करें, बाय ऑन टिप। 10 तारीख तक इसने ऊपर जाना है, 10 सितंबर 2023 तक हो सकता है यहाँ से डबल भी कर जाए, $8 भी कर जाए, और आप लोग बस इसी इंतज़ार में रहें कि और डाउन आएगा तो इसको बाय करेंगे। हरगिज़ नहीं, इसने आपको चांस भी नहीं देना। अगर इसकी डिवेलपमेंट मज़ीद अच्छी हो जाती है और इसकी अपडेट्स आ जाती हैं तो ये आपको डॉलरों में नज़र आएगा, तकरीबन $5 से $6 तो पक्का है, $60 तक भी ये जा सकता है इजीली, ठीक है। इसलिए इसको भी किसी ने अगर होल्ड किया हुआ, ऊपर से भी किया हुआ, तो कोई मसला नहीं, होल्ड करके रखें, ये इंशाल्लाह ऊपर आएगा और सारा रिकवर करके देखा जाएगा। BLZ की बात करें तो 25% ऊपर जा चुका है, यहाँ से इसकी एंट्री नहीं बनती। अगर PYR की बात करें तो यहाँ से इसको दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है, एक अच्छी जो है ना बाइंग प्राइस बन रही है यहाँ दोबारा, और इसने $4.50 $5 इजीली लगा देना है एक आधे दिन के अंदर अंदर। वो तो मैंने कल भी आपको बताया कि ये $3.90 पर मौजूद था, तो मैंने आपको बताया कि ऊपर जाएगा, यानी कि परसों रात, तो कल मैंने आपको बताया कि ये $4 तक जाएगा, वहाँ से फिर दोबारा बाइंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी गया, अब बाइंग शुरू हो गई है, फिर ये $4.50 का इजीली 1-2 दिन में नज़र आ जाएगा। BLZ की बात करें तो ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है 26% से ऊपर, तो ये यहाँ से इसकी एंट्री नहीं बनती, 12 सेंट से इसकी एंट्री बनती है। लास्ट टाइम हाई इसने 91 सेंट का लगाया दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा क्वाइन है और इसको आपने मामूली नहीं समझना, और ये कॉइन भी आपको जो है ना कॉसमोस इकोसिस्टम के ज़रिए वजूद में आया मिलेगा। इसका 91 सेंट ऑल टाइम हाई है, और लो देखें 1216, इस लो पर अगर ये दोबारा नज़र आए तो यहाँ से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है BLZ को, ठीक है। उसके बाद है NMR, क्रैश हुआ 23-24 डॉलर लगाकर, पहला टारगेट में हिट करके ये क्रैश हुआ, नीचे आता गया आता गया आता गया, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से इतना नीचे नहीं है। $12 या $10 इसकी प्राइस, बाइंग प्राइस है। जैसे साइबर नीचे आया वैसे ही ये नीचे आया, बहुत ही स्पीडली ये नीचे आया है, तो इसलिए इसमें भी आप लोगों ने जो है ना अगर ऊपर से बाय किए तो होल्ड करके रखें। सारे कॉइन्स का मशवरा मेरा यही है, स्पॉट में ट्रेडिंग आपने की हुई है तो इनको होल्ड करके रखें, अगर सेल में किए तो अपने बिहाव पर किए, मैंने तो आपको रिकमेंड नहीं किया, सही है। तो BTC के बारे में बात करेंगे, BTC दोस्तों $25,000 से नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाती है ना किसी भी रात, तो BTC हमें $24,000 से लेकर $21,000 तक नज़र आ सकता है। और अगर ये किसी भी वक्त यानी कि रात को ये कैंडल क्लोज नहीं होती नीचे 25,000 से, तो देन जो है ना ये कॉइन हमें सरप्राइज भी दे सकता है $29,000 तक। जी हाँ, तो मैंने जो ट्रेड्स लगवाई थी इथेरियम की सेल की, वो मैंने क्लोज करवा दी प्रॉफिट में, और BTC की भी अब मेरी कोई सेल की ट्रेड नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने इन सारे कॉइन्स पर नज़र रखनी है, ख़ास तौर पर BTC और मार्केट पर। तो उसके बाद ये 60 टोकन जो मैंने बिनास के अंदर आप लोगों को बताए, और आप लोग इसको देखें, रिसर्च करें, और अगर आप पैसा डालना चाहते हैं अपने रिस्क भी यहाँ पर डालिएगा, मैं आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।